हेलो गाइज, आप सभी का दोबारा से एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल पर भाई और बहनों, आप सभी के सामने न्यू लेटेस्ट अपडेट हम लेकर आज के आपको बताने वाले हैं। हरियाणा के अंदर कोई भी वैकेंसी आती है, कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आता है, नया लेटर आता है, सबसे पहले आपको हर एक जानकारी मिल जाती है। उसी प्रकार से आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा। काफ़ी मेरे भाई ये भी सोच रहे होंगे, सर हरियाणा के अंदर तो आचार संहिता लगी हुई है, तो अभी भर्ती कहाँ से होगी? तो मैं उनको बताना चाहूँ कि भर्ती अभी आपकी कंटिन्यू होंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो मैं अभी लेटर आपको बताने वाला हूं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, अलग टाइप की जॉब रहने वाली है। इसमें किस प्रकार से आपकी जॉब लगेगी, किस प्रकार से क्या मैटर रहेगा, इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा। ये जो एनडीटी पीआरटी और स्पोर्ट्स के कुछ पर्सन जहां पर चाहिए, इसके अंदर हरियाणा से रिलेटेड, चुनाव से रिलेटेड जो मुद्दा है वो इसमें लागू नहीं होता है। इस भर्ती को डायरेक्ट कंप्लीट करवाया जाएगा। अभी फिलहाल फॉर्म अप्लाई जा रहे हैं, फॉर्म अप्लाई करवाने के बाद में डायरेक्ट आपका इंट्री होगा, इंट्री बेस पर ही आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। तो मेरी बहनों, जितनी भी इस वीडियो को सुन पा रही हैं, सभी अपना फॉर्म भर लीजिए। फॉर्म भरने के लिए आपको किस प्रकार से क्या प्रोसेस होगा, पूरा डिटेल से हम जानकारी देंगे, और आपके ऑफर लेटर एचकेआरएन के अब आएंगे या नहीं आएंगे इस वीडियो में आपको यह भी पता चल जाएगा। सीएम साहब ने एचकेआरएन के ऑफर लेटर के बारे में क्या बताया है और आपका स्कोर कितना होना चाहिए, एक एक बात, एक एक लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सबसे पहले पाने के लिए अभी तक आपने गवर्नमेंट जॉब्स की वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सबसे पहले आप जाके गवर्नमेंट जॉब्स की वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरी चीज, अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप चैनल हो गया, टेलीग्राम ग्रुप हो गया, ये भी ज्वाइन नहीं कर रखे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से हमारा व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। सभी बहने समय समय पर जो भी आपको चीजें पूछनी हो बिल्कुल आराम से पूछ सकती हैं। साथ में अगर कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है किसी भर्ती के, कंटिन्यू आपको हर एक चीजें हमारे ग्रुप्स में मिलती रहती है। तो एनडीटी पीआरटी की जॉब से रिलेटेड जो आज की इन्फॉर्मेशन रहने वाली है, थोड़ा डिटेल से बताएंगे, वीडियो पर कंटिन्यू बने रहें। ओके मेरे भाई और बहनों को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा, मैं चीज आपको जो बताने वाला हूं कि एयरफोर्स जो स्कूल है सिरसा के अंदर जो एयरफोर्स स्कूल है उसके अंदर ये रिक्रूटमेंट आया है, जिसके अंदर एनडीटी पीआरटी और स्पोर्ट्स टीचर की आवश्यकता है, वहां पर ये भर्ती किए जाएंगे। सैलरी आपको अच्छी सैलरी मिल जाती है, एयरफोर्स जो स्कूल होते हैं उसके अंदर अच्छी खासी सैलरी आपको मिलती है। जॉब लोकेशन आपकी हरियाणा के अंदर रहेगी, सिरसा के अंदर ही रहने वाली है। लास्ट डेट इस भर्ती की 26 सितंबर 2024 रखी गई है। 26 तारीख तक अगर कोई फॉर्म अप्लाई कर सकता है तो अपना फॉर्म भर लेना। ऑफलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ऑफलाइन फॉर्म भरने की जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी, यहां से आपको फॉर्म डाउनलोड कर लेना है, नहीं तो अपने टेलीग्राम ग्रुप में जाइए, वहां पर हम फॉर्म शेयर कर देंगे। फॉर्म भरने के बाद इनके एड्रेस पर आपको जमा करवाना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाइए फटाफट वो ज्वाइन कर लीजिए। इसके आगे हम बात करेंगे, हर भर्ती के जो कैटेगरी वाइज जो फीस रहेगी वो 0 रुपए लगने वाली है, आपको एक भी पैसा पे नहीं करना है। ऑल बच्चे का इसमें फीस है वो 0 रुपए लगने वाला, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात करें, 11 सितंबर से भर्ती का जो फॉर्म है वो शुरू हो चुका है, नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। इंटरव्यू डेट और एग्जाम डेट आपकी 26 सितंबर ही रखी गई है, 26 सितंबर तक ही आपके फॉर्म जमा होंगे, 26 तारीख को ही आपका इंटरव्यू शेड्यूल होने वाला है। इंटरव्यू शेड्यूल के लिए आपका इंटरव्यू डेट और एग्जाम जो भी होगा 26 तारीख को ही हो जाएगा, 26 तारीख को ही आपकी नौकरी फिक्स हो जाएगी। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, इस भर्ती के लिए आपकी एज होनी चाहिए 21 से 50 साल तक के, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख पा रहे हैं सभी अपना फॉर्म भर लेना, और इस पोस्ट के अंदर जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी वो इस प्रकार से रखी गई है। एनडीटी के लिए आपको नर्सरी टीचर ट्रेनिंग जो डिप्लोमा होता है वो आपके पास में होना चाहिए, वो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ में जो आपके गवर्नमेंट के यूजीसीएस या अप्रूव्ड जो यूनिवर्सिटी हैं वो ही इसमें चल पाएंगे, बिल्कुल आराम से देख सकते हैं। पीआरटी के लिए भी आपका बैचलर डिग्री ही मांग रखा है। इसके आगे स्पोर्ट्स के लिए आपका जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो रीड नोटिफिकेशन डाल रखा है कि जिस स्पोर्ट्स से आपने अपनी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा है, कोई भी सर्टिफिकेट ले रखी है स्पोर्ट्स से, तो बिल्कुल आराम से जो गेम्स के आपको यहाँ पर टीचर चाहिए उसी गेम का आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। एनडीटी पीआरटी और स्पोर्ट्स टीचर तीनों की भर्ती बढ़िया आ रही है। 26 तारीख को आपका यहां पर एंट्री होने वाला है, सिरसा के अंदर डायरेक्ट आपका एंट्री होगा। सिरसा के आसपास से जो भी मेरे भाई इस वीडियो को देख पा रहे हैं सभी अपना फॉर्म भर लेना। फॉर्म के रिगार्डिंग अगर कोई भी डाउट होता है, कुछ भी चीजें समझ में नहीं आती है, कभी भी आप पूछ सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपका डायरेक्ट एंट्री होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जाम होगा, इसके अलावा इस भर्ती के अंदर कुछ भी नहीं होगा। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपना फॉर्म भरे, फॉर्म भरने का जो एड्रेस होगा इस एड्रेस पर आपका फॉर्म जमा होगा, या बाई हैंड भी जाके जमा करवा सकते हैं या सेंड भी कर सकते हैं।
सकते हैं 26 तारीख तक। एयरफोर्स स्टेशन सिरसा हरियाणा 125055 इस एड्रेस पर जो आपका फोरम है वो जाके जमा करवा लेना, और बाई सेंड भी आप भेज सकते हैं डाक के द्रो। तो मेरी बहनों, अगर इस प्रकार की कोई भी एनटीटी पीआरटी पीजीटी टीजीटी की जो पोस्टें आती है, अगर आपको कंटिन्यू हर एक भर्ती की जानकारी चाहिए तो आप गवर्नमेंट जॉब्स की वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सबसे पहले आप गवर्नमेंट जॉब्स की वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा भी लगा, आप सभी जाते जाते प्यारा प्यारा कॉमेंट जरूर कर देना। जो भी आप कॉमेंट्स करेंगे हम आपका रिप्लाई जरूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।